साथियों, इस वक्त हम आए हुए हैं ब्लिस एक्वा वाटर पार्क में और हम अंदर जाते हैं, टिकट का प्राइस पूछते हैं, क्या प्राइस है वो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चलिए अंदर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इस गर्मियों के मौसम में ब्लिस एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क मेहसाणा में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये अहमदाबाद से 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मेहसाणा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप पालनपुर ऊंचा की ओर से आ रहे हैं तो मेहसाणा से 10 किलोमीटर पहले ही ये आ जाता है। भारत के किसी भी कोने से अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर बस और रेल सुविधाएँ अवेलेबल हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेहसाणा है जो कि यह इस वाटर पार्क से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सामने ये टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पर जाकर हम टिकट लेते हैं, क्या प्राइस है वो हम आपको बताते हैं। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं 2023 में, आज की डेट में जब मार्च महीने में ये शूट कर रहे हैं तब यहाँ की क्या प्राइस है। चलिए टिकट काउंटर की ओर बढ़ते हैं। सर नमस्ते, क्या प्राइस है अपनी टिकट? पर पर्सन 1000 रुपये। 1000 रुपये इस टिकट में एंट्री और राइड रहेगी, लॉकर का, क्वेश्चन का और खाने पीने का चार्ज अंदर अलग से लगेगा। सोमवार से रविवार तक सब एक ही प्राइस है, अलग अलग रहती है? सोमवार से शनिवार तक 800 रहता है और संडे का 1000 रहता है। ब्लिस एक्वा वाटर पार्क में सोमवार से शनिवार को 800 रुपये और रविवार को 1000 रुपये टिकट के प्राइस हैं। 3 फीट से कम हाइट वाले बच्चों की एंट्री फ्री है और 3 फीट से ऊपर वाले का यहाँ फुल टिकट लगेगा। हम संडे को आए हैं इस ब्लिस एक्वा वाटर पार्क में, 2000 रुपये पे करके 2 टिकट प्राप्त किए। अब सामने जो मुख्य द्वार है वहाँ पर हमारे टिकट की चेकिंग होगी। चलिए मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। इस टिकट को हाथ पर बांधा जाता है और ये वाटरप्रूफ होता है, आप पानी में कितना भी खिलो ये टिकट फटने वाला नहीं है। चेक करना पड़ता है सर सब? हाँ, चेक करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, तंबाकू पान मसाला बीड़ी सिगरेट ये अलाउड नहीं है, अंदर वो ड्रिंक करी मास हमने भी अलाउड नहीं है, कोई खाने पीने वस्तु नहीं अंदर अलाउड नहीं, बद्दू अंदर वस्तु में रखे खावा पिया वस्तु को। सर लॉकर कॉस्ट्यूम और फूड अलग से रहेगा, ये आपने टिकट पहने वो अलग से रहेगा। ये टिकट हाथ पे ऐसे बंदी रहेगी? हाँ, तो हम तो स्नान वगैरह घूमेंगे अंदर तो ये सर ये वाटरप्रूफ है, कुछ नहीं होगा। ऐसा है, मुख्य द्वार पर अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है। बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने पीने की कोई भी वस्तु है अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है, ये सुविधाएं सभी अंदर उपलब्ध है, आप अंदर से ले सकते हैं। अब हम मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आ चुके हैं। इसके बाई और कंस्यूम और लॉकर काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ से हमें कंस्यूम और लॉकर प्राप्त करने होंगे। इसका चार्ज अलग से है। जो हमने शुरुआत में 1000 रुपये का टिकट प्राप्त किया था उस टिकट से आप संपूर्ण राइड कर सकते हैं पूरे दिन ब्लिस एक्वा वाटर पार्क में। यदि आप 2023 में घूमने के लिए आ रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना होगा वो हम इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। आप इस वीडियो पूरा और अंत तक एक लॉकर दे दो। विक्रम, सेवन थ्री 0 0 0 लॉकर लेवानो छे सर। हां वंडा अन कॉस्ट्यूम के मा लेवानो छे सर। बे लॉकर की क्या प्राइस है? लॉकर की 250 प्राइस है सर। 250 और 150 उसका 150 रेंट है और 100 रुपए डिपॉजिट है। डिपॉजिट बाद में वापस मिल जाएगा ना? आप शाम को आओगे तो आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। ये पार्टी और ये बैंड है, शाम को रिटर्न लेके आना डिपॉजिट देना। और ये आपके सुरेश राजपुरोहित ब्लॉग पुरोहित, मैं तो वैसे राजस्थान के हैं, अभी यहाँ पर ही रहते हैं मेहसाणा में। हमारी दुकान है मेहसाणा में मोबाइल की। कौन सी
जगह पे? तोरण वाली माता चौक है। दुकान का नाम क्या है? चामुंडा मोबाइल। चामुंडा मोबाइल, अच्छा। सर्च मार दो जो चैनल ले जो। सुरेश राजप्रति। दोस्तों अब मैं आपको लॉकर और कंज्यूम का क्या सिस्टम है वो मैं बता देता हूँ और इसकी प्राइस किस हिसाब से है। लॉकर की प्राइस 150 रुपये है और 100 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट लिया जाता है। जो आप शाम को वापस आएंगे तब आपको 100 रुपये वो रिटर्न किया जाता है। कंज्यूम यानी कि जो आपको पहनने के लिए टी शर्ट और सड्डा देते हैं उसकी प्राइस 150 रुपये ही है। उसका 150 रुपये डिपॉजिट है और वो भी डिपॉजिट आपको जब शाम को आएंगे तब इसी काउंटर से आपको वापस दिया जाएगा। अब हम इस काउंटर पर कंज्यूम लेने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर आपने जो 150 रुपये दिया था उसका एक जोड़ी कंज्यूम दिया जाता है जिसमें एक टी शर्ट और एक सड्डा रहता है। यदि आप घर से लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको 150 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है। चेंज करने का सर अंदर वो लॉकर अंदर भी है। अंदर ही सब अंदर ही है। लॉकर नंबर है ये, वो ये वाला नंबर है, स्कैन से लिया है। मेंस और वुमेंस के लॉकर और चेंजिंग रूम अलग अलग हैं। ये सब लॉकर सिस्टम है। हमारा 379 लॉकर है तो 379 एरा इसके सामने आप रखते हैं। जो आपको काउंटर से ये बैंड दिया जाता है ये इसके सामने रखेंगे तो ये लॉकर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप 3-4 व्यक्तियों का सामान आराम से रख सकते हैं। अब हम कपड़े चेंज करके बाहर आ चुके हैं और हम हमारी अगली राइड्स की तरफ जाते हैं। आपको कौन सी राइड करनी है, किस जगह पर है, वो सारे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्रेजी रिवर की ओर बढ़ते हैं, वो यहाँ पर नज़दीकी है। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं उसी तरफ ही है ये क्रेजी रिवर हम देख रहे हैं, लेकिन अभी लग रहा है ये बंद है। क्रेजी रिवर का टाइम हर दिन अलग अलग रहता है। जब भी आप यहाँ पर पहुँचे तो पहले टाइम को चेक कर दे कितने बजे ये ओपन होता है। तो आज की तारीख में ये 1:30 से 2:30 बजे तक जेंट्स के लिए हैं और वुमेंस और फैमिली के लिए ये 2:30 से 3:30 बजे तक हैं। हम दूसरी राइड करके आते हैं फिर यहाँ पर इस क्रेजी रिवर का लुत्फ उठाएंगे। आप भी यहाँ पर पहुँचे तो पहले क्रेजी रिवर का टाइम चेक कर दें कि कौन से टाइम पर ये चालू होगी। इस वाटर पार्क की सबसे दो खतरनाक राइड और बहुत मुश्किल राइड्स हैं, इन राइड्स को हम सबसे पहले करते हैं उसके बाद में अगली राइड्स की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले वाली हमारी ये राइड है, चलिए ऊपर चलते हैं। बैठने का तरीका आप देख सकते हैं, इस तरह हमें सोना है यहाँ पर और फिर हम यहाँ से सीधा ढलान है यहाँ पर नीचे की तरफ हमें फिसलाया जाएगा। बहुत खतरनाक राइड्स है ये। इसके बाद में हम दूसरी राइड करेंगे वो भी इसके जैसे ही खतरनाक राइड्स हैं। ये दूसरी सबसे खतरनाक राइड है। इस राइड को करने के लिए सबसे ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ पर एक कांच होता है, उस कांच के अंदर हमें पैक किया जाता है, फिर वहाँ से हम सीधे खड़े खड़े नीचे आते हैं। बहुत खतरनाक ये भी राइड है, चलिए इस राइड को करते हैं। भाई मुंह डाल के देख रहा है। ध्रुव रुक जा, खुद चल के आए।
अगली हमारी ये वाली राइड है जो इसके पास में ही है। इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ स्लाइडर होते हैं जो साथ में लेकर ऊपर जाना होता है और वहाँ से हम इसके ऊपर बैठते हैं, सोते हैं और उल्टा सोते हैं और फिर वहाँ से सीधा स्लाइड होकर नीचे आते हैं, जैसे कि आप हमारे इस स्लाइड होते हुए भाई को देख सकते हैं। राइड्स तो और भी बहुत सारी बाकी हैं, लेकिन इससे पहले जो क्रेजी रिवर का समय है वो हो चुका है, अब 1:30 बज चुका है, तो हम सीधा जाते हैं क्रेजी रिवर। आप भी यहाँ आएँ तो समय का ध्यान रखें, और हम दोपहर को 12 बजे आए थे इसलिए हम फटाफट में ये राइड कर रहे हैं। बाकी अगर आप पूरा लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे ज़रूर आएँ, शाम को 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है। चलिए क्रेजी रिवर में जाते हैं। इस नदी की राइड्स के बाद में हम भोजन करने के लिए चले गए। वहाँ पर हमने पाव भाजी ली जिसका एक प्लेट का 150 रुपये था, 20 रुपये अतिरिक्त पाव का था, तो हमने 170 रुपये एक अतिरिक्त पाव के साथ में प्लेट ली और हमने भोजन किया। आप भी यहाँ पर आएँ तो पंजाबी थाली और भी अनेक प्रकार की वैरायटी अवेलेबल है, आप जो इच्छा हो वो खा सकते हैं। व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग कुछ और घोटाला नहीं कर रहे हैं। सुरेश पुरोहित लिख दो तो भी चलेगा। एक पाव भाजी और एक ही सेक्स खाना खाने के बाद में हम अगले राइड्स की ओर जा रहे हैं, और बीच में वुमेन्स और फैमिली के यहाँ पर क्रेजी रिवर की राइड चल रही थी, तो हमने इस राइड का भी एक क्लिप लिया है जिसमें एक वुमेन्स पलट जाती है और दो लोग यहाँ पर उसको बचाने के लिए भी आते हैं। ब्लिस एक्वा वाटर पार्क में अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के राइड्स हैं। अगली राइड्स हमारी ये हैं जो कि 2 व्यक्ति कर सकते हैं, इसके साथ में 4 व्यक्तियों को भी करने की राइड्स हैं, लेकिन हम 2 जने हैं तो 2 वाले ही करेंगे। आप आएँ तो यहाँ पर 4 वाले भी कर सकते हैं, 3 वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस राइड को करने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ 2-3 राइड और हैं जो भी हम यहाँ पर साथ में कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे अगली राइड्स के लिए।
बहुत शानदार से आए हैं तरीके से हम अलग अलग राइड्स हैं यहाँ पर इस राइड के अंदर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं जो कि अंदर से बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। गजब की लाइटिंग अब हम जा रहे हैं यहाँ पर बीच में एक बहुत बड़ा तालाब कह सकते हैं, दरिया कह सकते हैं, बीच कह सकते हैं, वहाँ पर जो कि लोग इसके अंदर स्नान करते हैं। यहाँ पर लोग जब आते हैं, जब यहाँ पर कोई भी हम राइड करते हैं तो बहुत एक सायरन बजता है, सायरन की आवाज़ गूंजने के बाद में सभी लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें चलाई जाती है और सब लोग इन लहरों का आनंद लेते हैं। ये सायरन समय समय पर एक घंटे आधे घंटे के अंतराल में बजते रहते हैं। Wow!
अब हम किड्स जोन की ओर आ रहे हैं, जो बच्चों के लिए एक स्पेशल अलग से जोन बनाया गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल सकते हैं, यहाँ पर पानी इतनी ज़्यादा है नहीं। छोटी छोटी राइडें हैं जो बच्चों के लिए अच्छी हैं, जो बच्चे अकेले भी खेल सकते हैं, अपने फैमिली के साथ में यहाँ पर खेल सकते हैं। ऊपर ये बाल्टी है, बाल्टी में जब धीरे धीरे पानी आता है, इकट्ठा होता है, तब ये बाल्टी भरती है तो ऑटोमेटिक उल्टी हो जाती है और सारा पानी यहाँ पर नीचे खड़े बच्चों के ऊपर गिरता है और बच्चे इसका लुत्फ़ उठाते हैं। किड्स जोन के आगे ही थोड़ी राइड्स और बाकी रह गई थी, इस राइड्स को भी हम कंप्लीट करते हैं। दो लोगों की राइड्स हैं यहाँ पर, हमारे पास में समय कम था, हम लेट आए थे, इसलिए हम सभी राइडों को तो अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर सके। आप आए तो सुबह 10 बजे ज़रूर पधारें ताकि आप सभी राइड्स को इंजॉय कर सकें। चालू है ओहो ओहो जबरदस्त अब दोस्तों समय हो चुका है लगभग शाम के 5:30 बजे। हम बाहर आ चुके हैं और हम जो अपना जो कंज्यूम था वो हम यहाँ पर जमा करवा रहे हैं और आगे के काउंटर पर जाएंगे, कैश काउंटर पर, जहाँ से हमें जो डिपॉजिट दिया था वो हमें वापस मिलेगा। ओके थैंक यू ओके ओके वीडियो कल शाम को लगभग आ जाएगा, हम देख लेंगे आपका। इसको ले लो काली, इसको ले लो, ये काली को ले लो। सब पूरे दिन इधर ही बैठते हैं आप तो हैं। कैसा लगा सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। सारा व्यू बनाया पूरे पार्क का सर। जीत गए, थोड़ा जीत गए। ओके ना, कवर वर्क सब मिल जाए ना। ओके जय चामुंडा ना, आओ तो तोरणवाड़ी की तरफ आना कभी। हां भाई, आएगा सर। चलो वहीं पे कर दे, वहीं से ले आता। चामुंडा चामुंडा हमको डिस्काउंट देना। मेरा न्यू फोन लेने का ही है। लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है? नाम तो याद है चैनल का? हाँ पता है, पता है, सब्सक्राइब कर दिया हमने चैनल। ऐसे ओके ठीक है, वेलकम, थैंक यू, वेलकम। प्रत्येक व्यक्ति के खर्च की बात की जाए तो इस वाटर पार्क में लगभग 1500 रुपये आता है, जिसमें 1000 रुपये आपको शुरुआत में जो एंट्री फीस होती है वो है, उसके बाद में 150 लॉकर का और 150 कंज्यूम का, उसके अलावा जो भी आप खाना खाएंगे तो वो पैसा अलग से रहेगा। तो कुल मिलाकर 1500 रुपये में आप एक व्यक्ति आराम से इस वाटर पार्क को घूम सकता है। दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लिस एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क मेहसाणा का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट जरूर करें। इसके साथ ही इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।